अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम मोमोज विद चटनी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ऐड करके आटा गूंद लेंगे। मोमोज का आटा हमें हार्ड ही गूंदना है, सॉफ्ट नहीं। हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है, इसी तरह हमें आटा गूंद लेना है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखेंगे। तब तक हम मोमोज की स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन को धोकर पीस लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। अब हम इसमें दो शिमला मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। दो हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। हाथों को थोड़ा सा तेल लगा के आटे को थोड़ा चिकना कर लेंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सारी लोई को तैयार कर लिया है। अब हम एक लोई लेंगे, उसे मैदे में डिप करके बेल लेंगे। इसी तरह सभी लोई को बेल लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भर के मोमोज का शेप दे देंगे। मैं यहाँ पे दो टाइप के शेप दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी मोमोज को तैयार कर लिया है। हम एक छन्नी लेंगे, उसको तेल लगाएंगे। तेल लगा के सारे मोमोज को उसमें रख देंगे। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें आधा नींबू डालेंगे। नींबू डालने से बर्तन काला नहीं होता। अब हम इस पर मोमोज की छन्नी रखेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें 8 से 10 लाल मिर्च डाल के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हमारी मिर्ची सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम 3 टमाटर को काट कर डाल देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे।
5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर और मिर्ची सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम टमाटर की स्किन निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा कर पीस लेंगे। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल के गर्म होने पे बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को हल्का भुन जाने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ मिर्ची और टमाटर का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच शक्कर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी चटनी और मोमोज रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।